एक से दो या दो से तीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो भी एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, जिसके सॉल्व करने की टाइमिंग दी जाती है आपको एग्जाम में 33 सेकेंड। बट यहाँ पे जो आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि एक क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का 5 से 10 सेकेंड में कैसे करेंगे। चलिए, नॉर्मल एडिशन आपको आता है उस पर डिस्कस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे ये सीखेंगे। चलते हैं, देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 1/2 + 15 1/2 + 20 1/2 + 25 1/2 = what। आप इस तरह का क्वेश्चन को देखे होंगे, कोई भी सेट देखिए, सभी सेट में कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो इट विल टेक टाइम। 5 से 10 सेकेंड में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम एक नई मेथड से भी सीखेंगे, वो देखें क्या है। यदि क्वेश्चन में प्लस है तो ये जो बाहर का पार्ट है, प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। क्या बोला मैंने? यदि क्वेश्चन में बाहर का पार्ट, ये जो पार्ट है, प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। चलिए हम करते हैं एक बार देख करके। 10 और 15 25 25 और 20 45 45 और 25 कितना होता है 70। ऐड कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए ये हाफ और हाफ ये ऐड नहीं हुआ, तो जब इसको ऐड करेंगे तो मुझे प्लस वन मिलेगा, और ये हाफ आप ऐड करेंगे प्लस करके तो मुझे क्या मिलेगा 1, और 1 1 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो जब हम 2 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72। देखा आपने, आंसर जो है 72 होगा। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने बोला कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप क्या करें, बाहर का जो पार्ट है, फ्रैक्शन से पहले जो पार्ट है, उस पार्ट को प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। ठीक है, हमने प्लस था, सभी तीन सभी को ऐड किया तो मुझे मिला 70। ठीक है, इसके बाद ये जो 1/2 1/2 और 1/2 और 1/2 बचा हुआ है, इन चारों को ऐड किया तो हाफ हाफ कितना होता है 1, हाफ हाफ कितना होता है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो टोटल इसमें 70 में 2 ऐड किया तो आंसर क्या हुआ 72। चलिए दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन हम टफ करते हैं। 10 1/2 + 15 1/3 + 20 1/4 + 25 1/6 = what। देख रहे हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी वही कीजिए जो मैंने बताया आपको। क्या बताया था? कि यदि ये पार्ट प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। बट ये क्वेश्चन में सभी के सभी क्या है, प्लस में है, तो इन सभी को ऐड किया, यानी 10 + 15 + 20 + 25 जब इसको ऐड किया, तो हमें क्या मिला, देखिए 10 और 15 कितना होता है 25, 25 और 20 कितना होता है 45 और 25 कितना होता है 70। देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बच गया ए पार्ट और ए ये हमारा ऐड नहीं हुआ, हम ऐड करते हैं 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 = ये सॉल्व करना होगा।
लेकिन अगर 1 to 5 सेकेंड में करना है तो आप इस पार्ट को ना नोट करें और ना ही इसे करें, डायरेक्ट इसे ऐड करें 20। अब इसको डायरेक्ट कैसे ऐड किया जाता है वो हम पहले इसको सिखा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करना सिखाएंगे ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। चलिए, इसको सॉल्व करना इसलिए सिखाना पड़ रहा है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें शायद भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा या भिन्न का घटाव नहीं आता होगा, तो उनको लिए मैं समझा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इन सभी नीचे जो पार्ट है 2, 3 है ना, 4, 6, इसका एलसीएम लेना है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 12 आएगा, ठीक है। इसके बाद इसको इससे डिवाइड कीजिए, यानी 2 से 12 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और जो 6 आया उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया। प्लस 3 से डिवाइड कीजिए कितना हुआ, 4, और 4 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 4। फिर अगेन क्या करना है, 4 से 12 को डिवाइड करना है तो 3 आएगा, और 3 से 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 3 आएगा। 6 को 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2, और 2 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 15/12, ऐड कीजिए 6 4 10, और 10 और 3 13 और 2 15/12, इसे छोटा कीजिए, 3 से डिवाइड होगा तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब 5/4 जो है ये और छोटा हो सकता है, 4 से डिवाइड कीजिए डायरेक्ट तो क्या होगा, 1 1/4। ये पार्ट हो सकता है या इसको हम लिख सकते हैं 1.25। 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 2.25। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आंसर जो होगा हमारा 70 + 1.25 = 71.25, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको ये फील हो रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमने इसे इस एक्सप्लेनेशन को ड्राइव किया है। अब हम आपको मेंटली कैलकुलेशन करके बताते हैं, देखिए कैसे होता है। इन सभी पार्ट को मैंने बोला कि प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। चलिए प्लस किया तो 70 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 1/3 1/4 1/6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 12, ठीक है। यहाँ पे से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 1 जा 6 6 होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 4 6 4 कितना हो गया, 10। यहाँ पे 3 आएगा तो 10 और 3 13, और यहाँ पे कितना आएगा, 2, तो कितना हो गया, 15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मैंने बोला कि इसे काट दीजिए कितना से, 3 से, तो ये 5 भी कटेगा, ये 4, तो ये हो जाएगा 75/4। इसको और करेंगे तो हमारा 70 आएगा, ये 5/4 को करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 1/4। इस 1 को यहाँ ला दीजिए तो 71 1/4 या 71.25। ये दो आंसर में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, जो ऑप्शन में है वो देख लीजिए। समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे भी ज़्यादा टफ देते हैं, चूँकि ये इजी लेवल हो गया, ये मीडियम लेवल हो गया, अब क्वेश्चन टफ देखते हैं, और उस टफ क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि मुझे इस क्वेश्चन को ड्राइव ना करना पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। 10 5/6 - 15 3/4 3/4 + 20 3/4 - 8 5/6 = what? देख रहे हैं क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने में टफ लग रहा है, बट रियल में ये टफ नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में किया जा सकता है, और वो भी आप करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हमने बोला कि प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस वाला पार्ट को ऐड करते हैं तो हमारा हो गया 30, और माइनस वाला आपको ऐड करते हैं, ये हमारा 30 हो गया, और ये जब ऐड करते हैं तो कितना हो गया 23, ठीक है। अब ये 30 में से 23 गया तो 7 बच गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे माइनस 5 हमारा है बचा हुआ, ठीक है, अब माइनस 5 जाएगा तो 15 होगा, ठीक है ना। अब 15 में से 8 जो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखिए, 3/4 प्लस में है, माइनस में है, 3/4 प्लस में है, तो ये पार्ट कटेगा और ये पार्ट कट जाएगा। 5/6 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। समझ में आया, नहीं है तो एक बार देखिए, इन सभी को प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। हमने क्या किया, इन सभी को कैलकुलेशन किया तो हमारा बच्चा 7। देखिए कैसे किया, 10 - 15 + 20 - 8 = 7, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कैलकुलेशन बच गया वो था 5/6 - 3/4, ठीक है, +3/4 - 5/6, ये पार्ट बच गया। तो देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो 7 में 0 करेंगे प्लस, तो अंतर इज व्हाट, 7। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, और उसे उम्मीद है कि आप 5 से 10 सेकंड में जरूर सॉल्व कर लेंगे। रेडी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 7 8/9 - 5 4/5 + 6 8/9, नहीं, इस पार्ट को आप माइनस रखें और इस पार्ट को प्लस रखें, 3/4/5 = what। डूहरी अब 6 और 5 11 माइनस में है, और प्लस में कितना हो गया, 7 10, यानी 10 - 11 = -1। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार और ड्राइव करते हैं, बाद में देखिएगा। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ प्लस है कट जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है कट जाएगा, तो आंसर इज व्हाट, -1। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको। 7 - 5 - 6 + 3 = क्या होगा, यहाँ प्लस प्लस होगा तो 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 11 हो गया, तो कितना हो गया, 10 में से 11 जाएगा तो -1 होगा। अब इसके बाद एक पार्ट और बच गया है हमारा, +8/9 - 4/5 - -8/9 + 4/5, ये बचा हुआ है। अभी देखिए 8/9 माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में तो कट जाएगा, ये क्या होगा, 0, ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, -1। आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। एडिशन में और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, और बहुत टाइप का है ये, हमारा अभी एक टाइप का है जो हमने सॉल्व किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। चलिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।